हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशली व्रत में बर्थडे केक, जो हमने काजू फ्लेवर से बनाया हुआ है और बहुत ही इजीली रेडी करा हुआ है। बनाने में कुछ नहीं है, बस दो तीन टिप्स याद रखनी है हमें और हम इसको रेडी कर सकते हैं। एक तो हमें चाशनी नहीं बनानी है इसकी। हम जब इसको दूध आधा हो जाएगा हमारा, तब हम इसमें हाफ लेमन लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा पानी मिला के थोड़ा थोड़ा डालेंगे और हम उसको चलाते जाएंगे। दूध हमें कंटिन्यू चलाना है ताकि नीचे से लगे नहीं, और तब वो हमारा आधा हो जाए। नींबू के बाद थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो हम फिर उसमें अपने शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने मन चाहे पसंद से कर सकते हैं, कम या ज्यादा। और आप इस तरीके से कुछ टिप्स के साथ बहुत ही सुंदर और टेस्टी केक रेडी कर सकते हैं। तो ये मैंने काजू फ्लेवर्ड केक बनाया हुआ है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे मैंने 2.5 लीटर दूध लिया है, अमूल का पैकेट वाला, और इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और मैं इसको बॉईल करके अब कंटिन्यू मीडियम हाई फ्लेम पर इसी तरीके से चला रही हूँ। चलाते चलाते हम इसको पकाते रहेंगे। हम इसको हाफ, जब इसकी क्वांटिटी हाफ रह जाएगी तब तक हम इसको इसी तरीके से चलाते हुए पकाते रहेंगे। देन हम उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। ये देखिए, मेरा मिल्क पकते पकते आधा हो गया है, आप देख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, हमने इसको कंटिन्यू चलाया है और हमने अब लिया है आधा लेमन जूस और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, 2-3 स्पून। और अब हम क्या करेंगे, हम अपने जो ये मिल्क है उसको चलाते हुए ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करेंगे और हल्का सा इसको चलाएंगे। एक साथ नहीं डालना है हमें इसको, क्योंकि हमें इसको दानेदार मिल्क के बनाना है या बर्थडे केक, तो उसके लिए हमने इसको हल्का सा चलाया है इस तरीके से। और हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको चलाते जाएंगे ताकि इसमें अच्छे से दाने पड़े। देखिए, हमने इसको सारा डाल दिया है और अब हम इसको चला लेते हैं। देख रहे ना आप, ये आधा पक गया था तो ऑलरेडी रबड़ी जैसा तो ये हो ही गया था, और अब हमने इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया है तो आप देख रहे हैं इसमें ये दानेदार हो गया है। इसको हम 1-2 मिनट इसी तरीके से पकाएंगे ताकि और अच्छे से इसमें दाने पड़ जाएं, और इसको पकने देंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब आप चाहे तो मिल्क केक आप इलायची पाउडर के फ्लेवर से या कोई और फ्लेवर डाल सकते हैं, बट मैं इसको काजू फ्लेवर का टेस्ट में बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने काजू लिए हैं, तो मैं इसमें से 100 ग्राम काजू का पाउडर ग्राइंडर में डाल के तैयार कर लेती हूँ और वो हम इसमें मिक्स करेंगे। तो अभी हम फिलहाल इसको चलाते जाएंगे इस तरीके से और थोड़ा सा और ठीक होने देंगे। तो देखिए आप, हमारे अच्छे से दानेदार हो गया है और ठीक भी हो गया है, आप देख रहे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे शुगर। शुगर हमने इसमें डाली है, मैं इसमें 200 ग्राम शुगर ऐड कर रही हूँ। आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हम इसको चलाते हुए पकाएंगे इसी तरीके से। देखिए, हमारी चाशनी, हमारी जो शुगर है वो भी इसमें मेल्ट हो गई है। और अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने 100 ग्राम काजू लिए थे ना, उसका हमने पाउडर बना लिया बारीक, उसको हम इसमें डाल देंगे। आप काजू का पेस्ट ना डालना चाहें तो आप इसमें पीनट्स का भी पाउडर बनाकर डाल सकते हैं। थोड़ा हाथ मुंह को बचाकर ही बनाएं, क्योंकि इसमें से थोड़े बबल या छींटे ऊपर आती हैं, तो उसको बचाते हुए अब हमने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। बादाम के मैं 2 पीसेस कर लूँगी डेकोरेशन के लिए, पिस्ता उसको कट कर लूँगी, किशमिश 2-4 बचा लेती हूँ, बाकी सब मैं इसके अंदर ही डाल देती हूँ। 2-4 मतलब अपनी गार्निशिंग के लिए ये मैंने बचाया हुआ है, और कुछ काजू। तो अभी हम इसको फिलहाल पकने देते हैं अच्छे से।
और हम इसको एक जमने वाला मिक्स तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारा मिक्स काफी थिक हो गया है, ये मिल्क केक का आप देख रहे हैं ना, अब ये कढ़ाई भी छोड़ने लगा है इस तरीके से। जब ये हमारा कढ़ाई छोड़ने लगे तो इसका मतलब ये हमारा रेडी हो गया है और ये जमने वाली फॉर्म में आ गया है। तो हम इसको एक मिनट और इसी तरीके से चलाते हुए कुक होने देते हैं। और आप देखें कि मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, मुझे थोड़ा फैला हुआ केक बनाना है, तो केक कंटेनर भी ले सकते हैं। और आप कोई घर में बर्तन शेप में बनाना चाहें, बाउल में किसी में भी, तो वो भी शेप ले सकते हैं। अब क्योंकि मैं मिल्क केक से बर्थडे केक बनाने वाली हूँ और नवरात्रि चल रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल भी, तो मैं एक चौड़ा बर्तन लिया है इसमें इसको जमाऊंगी। और दूसरा मैंने एक बाउल लिया है जिसमें मैंने घी लगाया हुआ है, तो इन दोनों में मैं इस मिक्स को डाल देती हूँ। फिर देखिए आप, एक मिनट मेरा हो गया है और ये अच्छे से कढ़ाई छोड़ने लगा इस तरीके से। और अब हम गैस फ्लेम बंद कर देते हैं और इस मिक्स को एक मिनट और हम ऐसे ही चलाएंगे, इस तरीके से हम एक मिनट चलाएंगे इसको। अभी एक मिनट हो गया इसको चलाते हुए, अब हम अपने बाउल में डाल लेते हैं थोड़ा सा। इस तरीके से और हम इसको अब टैप करेंगे, इसको हम साइड रख देते हैं और बाकी मिक्स हम इसमें डाल देंगे। सारा मिक्स हमने इसके अंदर डाल लिया है और अब हम स्पून से इसको, स्पून की हेल्प से इसको इकसार कर देते हैं इस तरीके से। देन हम इसको अच्छे से टैप कर देंगे और अब हम इसको ढक के रख देते हैं 7-8 घंटे के लिए सेट होने के लिए, और फिर हम अपने ड्राई फ्रूट से इसको डेकोरेट करेंगे। ये देखिए हमारे 8-9 घंटे हो गए और ये हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा इसको हल्का सा गैस पे रख लेंगे ताकि इसका जो नीचे का घी है ना वो हमारा अच्छे से पिघल जाए और हमारा आराम से निकल जाए। एक बात और, अगर आपके पास टाइम कम है और हमें इसको जल्दी से बना के सेट करना है तो जब भी थोड़ा हल्का सा ठंडा हो जाए तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और तब आप इसको निकाल सकते हैं, तो तब भी ये आसानी से सेट होकर निकल जाएगा। इस तरीके से आप इसको गैस पे हम करेंगे एक मिनट और इसको हम हटा देते हैं। इसको भी हम हल्का सा गर्म होंगे और हम इसको भी निकाल देते हैं। तो फिलहाल हम इसको निकाल देते हैं, टैप करेंगे। ये देखिए हमारा अच्छे से सेट हो गया, कितना अच्छा निकला है। अब हम अपना दूसरे बाउल में से निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी सारी जो किनारियां उसको अच्छे से छुटा लेंगे इस तरीके से, और अब हम इसको भी टैप करके निकाल लेंगे। तो आप ये देखिए, इसका भी थोड़ा अच्छे से डिजाइन हो गया। हम हल्का सा हाथ से कर देते हैं, देखिए डबल उसका हो गया ना, कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा डिफरेंट भी कहेंगे, ब्लैक केक या मिल्क केक का खाना हमें ये, तो इसको थोड़ा डिफरेंट टाइप से हम बना देते हैं तो बच्चे बड़े मजे से व्रत में भी केक का एंजॉय करेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बादाम लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे किशमिश, किशमिश वैसे हमने इसमें ऑलरेडी अंदर भी डाली हुई है और हमने इसमें काजू भी पीस के डाले हुए हैं, तो इसका फ्लेवर मिल्क केक के साथ साथ हमारा काजू वाला फ्लेवर आएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी। अब हम क्या करेंगे, हमने कुछ पिस्ता लिए हैं, आप अपने मनपसंद डिजाइन बना सकते हैं इसमें, डेकोरेशन कर सकते हैं ड्राई फ्रूट से जो आपको अच्छा लगे, और बहुत ही टेस्टी बना है ये केक। स्पेशली हम जैसे नवरात्रों में बर्थडे आते हैं और हम केक भाई सोचते हैं कि केक अब क्या करें या केक कैसे करें, व्रत है तो हम इस तरीके के केक बनाकर व्रत में भी अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं,
सेकंडली आपको जब दिल करे आप इसको बना के भी खा सकते हैं और आप इसके साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो जब आपका दिल करे आप तब इसको बना सकते हैं। और आपने देखा है कि बनाने में तो इजी है ही, बट खाने में बहुत टेस्टी है और देखे कितना सुंदर भी लग रहा है देखने में। तो बच्चे तो बिल्कुल कहेंगे मम्मा हमारे लिए ये वाला केक आप जरूर रेडी कर दीजिए, साथ में आप जन्माष्टमी पर भी कान्हा जी के बर्थडे पर इसको तैयार करके खिला सकते हैं, भगवान जी को भी भोग लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनने वाला केक है ये, और आप इसको एक मिठाई के रूप में भी तैयार करके खा सकते हैं, मिठाई ही है ये, जैसा आपको दिल करे। लेकिन बनाने में तो बहुत ही इजी है और टेस्टी भी है, देख रहे हैं ना कितना इजीली बन गया हमारा ये केक। ये देखिए हमारा केक अच्छे से रेडी हो गया है। तो बताइए कितनी इजी रेसिपी है हमारे इस काजू फ्लेवर केक की। काजू फ्लेवर हमने मिल्क केक का केक बनाया, बर्थडे केक है, बहुत ही स्पेशल केक है, स्पेशली नवरात्रे स्पेशली व्रत केक है, बहुत इजी है और बहुत ही टेस्टी है। तो आप इसको बनाइए, खाइए रेसिपी को जरूर, और कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को लाइक कीजिए जरूर, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू।